Hello students, myself Anil Kumar Singh from Sudeti the Guru Global Academy Itawa. Let us start first chapter in class 12th. First chapter is relation and function, and in the relation and function some topics which we have to discuss. First topic, Cartesian product. Cartesian product after this relation और रिलेशन अगर जब डिस्कस करेंगे तो फिर इसके इसमें डोमेन और रेंज भी इसका डिस्कस करना होगा. फिर रिलेशन डिस्कस कर डोमेन और रेंज डिस्कस करने के बाद अब आपको एक्चुअली रियल वैल्यू पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है. इसलिए रियल रिलेशन ऑन अ सेट डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है. तो ये रिलेशन ऑन अ सेट 12th के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है. फिर इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस किया जाएगा. टाइप ऑफ रिलेशन में वर्ड और एम्प्टी और नॉन वर्ड सेट पढ़ेंगे, नल सेट पढ़ेंगे. फिर इसके बाद यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव. फिर ट्रांजिटिव के बाद लास्ट में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ये रिलेशन तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, इसलिए इसको डिस्कस किया गया है. और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन. ये रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. लेटर से तो ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. तब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन. For this chapter, we have to recall in previous class some topics as Cartesian product, the definition of this topic, let A and B, two non-empty sets. Sets, then set of all ordered pairs in A cross B is called Cartesian product from A to B. For example, let's set A is equals to suppose 1, 2 and B is equals to A and B. Then A cross B, which is known as a Cartesian symbol of Cartesian product from A to B, this is equals to one order pair with the A, one order pair B, similarly 2A and 2B. This is known as Cartesian product from A to B. But we want to denote Cartesian product from B to A, then B cross A. And the order pair of A cross B is reverse. In its reverse, for example, A1, B1, A2, B2. This is Cartesian product. And next topic we main topic next is relation. For relation, let A and B two non-empty sets. इसमें non-empty sets important है. नॉन एम्प्टी होना चाहिए तभी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है. ठीक है, तो इफ लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स
then a relation R from A to B is a subset of A cross B. That is, R is subset of A cross B. For example, if A is equals to suppose that 1, 2 and B is equals to x, y, then we already known as A cross B. How to find A cross B? Then by the definition, R is equals to suppose 1 x, 2 y. अब आप देखेंगे कि ये R की जो वैल्यू है वो A क्रॉस B में श्योर होगी. तो A क्रॉस B, एक R की वैल्यू A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए R इज अ सबसेट ऑफ. सपोज दैट दिस इज R1 एंड R2 B. X की X A क्रॉस B की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 x, 1 y, 2 x, 2 y. और सपोज दैट R2 की वैल्यू सपोज कर लो 2x, 2y एंड R3 भी ax, by. तो आप क्या बताएंगे, R1, R2 और R3 में रिलेशन कौन हो सकता है, रिलेशन कौन पॉसिबल है? तो आप देखेंगे कि R1 की वैल्यू A क्रॉस B का सबसेट है और R2 की भी वैल्यू A क्रॉस B का सबसेट है, तो ये रिलेशन होगा. दिस इज अ रिलेशन From A to B, ये जरूरी है बताना, from A to B या B to B. This is a non-relation. ठीक है, no हो जाएगा, ये relation नहीं है. ठीक है, तो relation clear हो गया. इसके बाद number of relations. Suppose that in set A, number of A is equals to m elements and number of B is equals to n elements. नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है. नंबर ऑफ रिलेशन, सपोज दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम. एम मींस एम एलिमेंट्स. इन प्रीवियस क्लास, क्लास 11th, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन एलिमेंट्स. देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू एम मल्टीप्लाई बाई एन हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा. एंड नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ रिलेशन इसकी वैल्यू हो जाएगा 2m(n). ये नंबर ऑफ रिलेशन हो गया. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ रिलेशन के बाद स्टार्ट हो जाएगा इसमें. अब नंबर ऑफ रिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना डोमेन एंड रेंज. डोमेन ऑफ रिलेशन, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर. फॉर एग्जाम्पल, डोमेन ऑफ अगर फाइंड करना हो, डोमेन ऑफ आर वन, तो इसकी वैल्यू आप वहां से देख सकते हो. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1, 2. और अगर रेंज पूछा जाए, रेंज ऑफ R1 की बात करेंगे तो सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स इन R1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स हो जाएगा x कॉमा वाई. ऐसे ही आप डोमेन एंड रेंज को डिफाइन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑन अ सेट. रिलेशन ऑन
सेट। अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन को डिफाइन करते थे, इसके लिए दो नॉन वर्ड सेट होना चाहिए था। अगर लेकिन अब आपको एक ही सेट, दोनों सेट सेम सेट हो जाए, यानी कि सेट ए की वैल्यू तो ए है ही है और सेट बी भी ए हो जाए, तो वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब रिलेशन क्या होता था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता था। अब रिलेशन ऑन सेट ए केवल लिखेंगे, एक ही सेट होगा, रिलेशन ऑन सेट ए टू इटसेल्फ कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट, सेट देन आर R is a relation from A to itself. Itself is called relation from relation on set A. Relation on set A. इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ऑल रियल नंबर्स को, कोई भी सेट को या फंक्शन को, हम आगे चल के फंक्शन या रिलेशन जो भी हो डिस्कस करेंगे, तो पूरे क्लास 11th हो या 12th में रियल नंबर या रियल नंबर रियल लाइन पर से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं उसी का केवल डिस्कस करना है, इमेजिनरी नंबर का डिस्कस नहीं करना है। इमेजिनरी नंबर का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रिलेशन ऑन सेट आर, आर मतलब ऑल रियल नंबर के लिए ही डिस्कस करना है, इसलिए रिलेशन ऑन सेट डिस्कस करेंगे हम, रिलेशन ऑन सेट डिस्कस करेंगे, ओके। देन आफ्टर दिस टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ से क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगा। ये 11th में यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लास 12th के में अब आगे देखेंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ, तो स्टार्ट करें सर, टाइप ऑफ रिलेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन बी वर्ड रिलेशन, वर्ड आर एम्प्टी or null, also null, empty relation. Let A be a set, set वही non-empty set लेंगे, relation भले empty है लेकिन set non-empty होगा, non-empty set, then we already know, हम पहले से भी जानते हैं कि phi एक ऐसा, या order pair कर लीजिए या set कर लीजिए, वो सबका every set का subset होता है, every set का subset हो गया, तो then phi is subset of A cross A is called a void set. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि आखिर इस तरह का कोई सेट का, इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि या नहीं। तो आप सपोज कर लेंगे, लेट कर लो, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, सपोज कर लिया, कोई मैंने सेट सपोज कर लिया। अब आप देखेंगे, देन सपोज करना हो कि रिलेशन अभी इसके कैसे हो सकता है, इसका रिलेशन, अब आपको एम्प्टी सेट शो करना है। लेट आर be a relation such that R is equals to, suppose कर लेंगे A comma B, जो कि कोई भी relation order pair में ही होना चाहिए, A comma B suppose कर लिया, such that mod of A minus B is equals to 12. अब आप ये बता सकते हैं A और B क्या है, A और B की value सेट ए से ही कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब सेट ए में अगर कोई भाई एलिमेंट ए के प्लेस पर सेट ए से एलिमेंट ले और बी के भी प्लेस पर सेट ए से एलिमेंट ले और इन दोनों का डिफरेंस निकाले ए माइनस बी, तो क्या 12 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है, 12 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब
लिख सकते हैं. वी सी दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 12. कुछ भी नहीं हो सकता, मॉड लेंगे तो प्लस या माइनस कुछ भी होगा, तो 12 हो ही नहीं सकता. इसलिए देन आर इज एन इम्प्टी सेट, इम्प्टी रिलेशन, सॉरी रिलेशन. तो ये हो गया इम्प्टी रिलेशन और वाइड सेट. सेकेंड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन. लेट वैसे ही ए बी एंड नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट. देन अब आप ये भी पता है आपको कि कोई भी सेट सेल्फ का सबसेट होता है, अपने आप का सबसेट होता है. तो अगर आप देखेंगे तो ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, देन वी से दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट. एंड दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर, इसको भी आर से डिनोट कर सकते हैं. अब ऐसा कर सकते हैं आर इज इक्वल्स टू, ऐसा रखे तो ठीक रहेगा क्योंकि आर को आपने ए क्रॉस ए पूरा ले लिया, तो पूरा ए क्रॉस ए की ही वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा. तो आर की वैल्यू आप सपोज कर लो, कोई एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का कोई डेफिनेशन सही नहीं रहता है. सपोज कर लो ए की वैल्यू आप सपोज कर लो एक्स वाई एंड बी की वैल्यू सपोज कर लो वन. तो अगर आप सॉरी ए की ही वैल्यू, क्योंकि सेट तो एक ही रहेगा ए क्रॉस बी, तो अब चाहिए नहीं केवल सेट ए चाहिए. तो आप सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ये जो भी होगा एक्स वाई एक्स एक्स होगा, वाई वाई हो सकता है, एक्स वाई वाई एक्स ऐसा सब कुछ होगा. तो ये टोटल वैल्यू जो होता है, ये जो आर की वैल्यू होगा, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन. एंड थर्ड भी आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन. Identity relation. Let A be a non-empty set. वैसे ही non-empty set है. Non-empty set. Then IA, इसको IA से denote करेंगे. IAB is equals to A comma A such that A belongs to A is called an identity relation. Relation where IA is denoted by identity. Identity relation. For example, let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Then we have, सबसे पहले तो अब अगर A की वैल्यू आपके पास है तो A क्रॉस A आप निकालेंगे ही, A क्रॉस A आप फाइंड कर लेना. कैसे फाइंड करते हैं, A क्रॉस A की वैल्यू निकल गया. अब आपको I की वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू हो जाएगा, अगर मान लो आपने बहुत सारे रिलेशन इसमें लिखे, A क्रॉस A निकालने के बाद आपने आपको आई चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन चाहिए, और आपको मैंने बहुत सारे रिलेशन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर इस तरह के रिलेशन को मैंने बहुत सारा लिख दिया. अब इसमें से आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा. सपोज करिए आर वन की वैल्यू 1, 1 2, 2 3, 3 आर थ्री की वैल्यू 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 और आर थ्री की वैल्यू हो जाएगा, सपोज कर लेंगे 1, 1 2, 2
3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, और R4 की वैल्यू हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 5, 3, ऐसा हो गया। अब आपको इसमें ये बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन में सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स वेयर ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए का मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट सेम से अब सेल्फ से रिलेट करता हो, सेम एलिमेंट अगर सेम से सेल्फ से रिलेट करता है तो वही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन में वन तो ये सेल्फ तो है ही है, लेकिन ऑल सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सेम एलिमेंट्स के सेम ऑर्डर पेयर्स के नहीं है, इस वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब यहां आप देखेंगे कि इसमें ऑल ऑर्डर पेयर्स है तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, लेकिन इसमें भी आप कहें कि ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये जो एक्स्ट्रा आ गया है ये ऑर्डर पेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन तो है, इसमें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, ए टू इटसेल्फ है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा और ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑल इक्वल ऑर्डर पेयर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सपोज लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट देन अब आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, लगेगा कि सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देन आर इज इक्वल्स टू आर सेट सपोज दैट एनी रिलेशन आर इज इक्वल्स टू A comma A such that A belongs to A, then R is called, then to is called a reflexive। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सेम हो गया इस तरह, तो इसमें एक वर्ड यूज अगर कर देते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ओनली वर्ड का यूज करेंगे, और इसमें ये ओनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते आप। तो आप देखेंगे एग्जांपल में सपोज कर लेंगे, इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको डिस्कस करना नेसेसरी है। ए इज इक्वल्स टू अगर हो गया सपोज कर लो, वही एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सपोज कर लिया, और आप ए क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हो, ये भी इजिली जैसे पहले से कर सकते हो। आपने वही R1 ले लो और वही R2, वही R3, R4 ले लो, तो इस वाले में आप देख रहे थे कि ये आइडेंटिटी नहीं था फर्स्ट वाले में, यहाँ के एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये नाइदर आइडेंटिटी आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव यहां होगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इस वाले में ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि इसको कितने से मतलब है कि ऑल इक्वल ऑर्डर पेयर्स हो जाए, तो इस वाले को लिखेंगे बोथ आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। लेकिन थर्ड वाले में अगर आप आते हैं तो इसमें आपने इसको क्या बताया था, ये आइडेंटिटी नहीं था, आइडेंटिटी अगर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये ओनली रिफ्लेक्सिव और इसमें ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, नहीं है आइडेंटिटी है और नहीं रिफ्लेक्सिव। क्या रीजन है, रीजन ये है कि ऑल इक्वल ऑर्डर पेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इस सेट ये ऑर्डर पेयर ये सेट ऑफ ऑर्डर ऑल ऑर्डर पेयर्स ये रिफ्लेक्सिव ना होगा नहीं आइडेंटिटी होगा। तो इसके लिए नोट में आप लिख सकते हैं ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर
reflexive, but it converse is not true. It is not necessarily to reverse in a reverse order. तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए. All identity relations are reflexive, but its converse is not true. Now next, fifth, symmetric relation. Now next relation, symmetric relation, which is fifth relation, symmetric relation. In this relation, let A be a non-empty set. Then a relation R is said to be symmetric. If and only if R is equals to A related to B, this imply B related to A for all A B belongs to A. This means if A related to B, this imply B related to A. This means, and for all A and B, both are the elements of A. Another definition R करके define कर सकते हैं. If R be a relation on set, on non-void set, set A, such that A related to B, this imply, इसको A related to B read करेंगे, A related to B. This imply B related to A for all, A B belongs to A. तो इस relation को आपको समझने का ये हुआ कि अगर A का relation B से है, तो B का भी relation A से होगा, तो ये symmetricity होती है, symmetric relation होता है. इसके लिए एग्जाम्पल नेसेसरी है. एग्जाम्पल से अगर देखेंगे, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए बी अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस सच दैट ए इज इक्वल्स टू एल वन एल टू एंड सो ऑन. Number set of lines such that L1 perpendicular, if they up check kar sakte, if L1 perpendicular to L2, this imply L2 perpendicular to L1, to ye kya ho gaya, symmetric relation ho gaya. Then R is symmetric. Another example means second example. Set of parallel lines. Set of parallel lines. Suppose kar lo, set B is equals to L1, L2 and so on set of lines. Such that L1 parallel to L2, this imply L2 parallel to L1. This means relation R represent a symmetric relation. Symmetric
इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है सिमेट्रिक रिलेशन का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स सिमेट्रिक रिलेशन का। सपोज कर लिए फ्रेंडशिप में भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर कोई पर्सन है, पर्सन ए फ्रेंड है बी का, और तो पर्सन बी भी फ्रेंड हो सकता है ए का, अगर ऐसा सोचा जाए तो। नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि रिलेशन सिमेट्रिक हो सकते हैं। अब बहुत सारे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं भी होते हैं, जैसे कि फादर और सन का रिलेशन देखेंगे तो उसमें सिमेट्रिसिटी नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिसिटी फ्रेंडशिप में हो सकता है, ब्रदर ब्रदर में हो सकता है, सिस्टर सिस्टर में हो सकता है, ब्रदर सिस्टर में सिमेट्रिसिटी नहीं हो सकती। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नाउ सिक्स्थ, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं आपको एक सोशल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आजकल के समय में हम लोगों ने उसको उस दौर से गुजर रहे हैं। वो जैसे ये एक बहुत बड़ा जैसे कि महामारी कोरोना चला है, ये ट्रांजिशन में एक तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन से हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ए का रिलेशन बी से है, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाई ए रिलेटेड टू सी, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं, संक्रमण ट्रांजिटिव ट्रांजिशन होते हैं, वो एक तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी अ नॉन वॉइड सेट, ए बी ए नॉन वॉइड सेट, देन आर बी अ रिलेशन such that r is equals to, if a related to b, a related to b and, इसे वर्डिंग होना चाहिए एंड होना चाहिए, नहीं कंडीशन है ये, एंड कंडीशन, एंड b related to c, this imply then we can say a related to c for all a b and c belongs to a, means element of a. This means then R is transitive relation. Then R is transitive relation. In another way, we can say if second definition कर सकते हो, if R is a transitive transitive relation, then A, if and only if A related to B and B related to C, this imply A related to C, this means for all A, B, C belongs to A, this means a transitive relation. Transitive relation. For example of transitive relation. Example of transitive relation. Example first suppose कर लो, let A be a set of congruent triangles. Congruent triangles. Let A is equals to T1, T2, T3 and so on. We see that if triangle, first triangle, matlab T1, congruent to the triangle T2, सेकेंड ट्रायंगल T2 का अगर कॉन्ग्रुएंट है, एंड ये भी गिवेन हो T2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T3, दिस इंप्लाई T1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2, ये सब पॉसिबल है? T3 सॉरी T3
आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड का अगर कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड थर्ड का कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट भी थर्ड का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। और भी इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस भी कर सकते हैं आप, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस भी कर सकते हैं, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। अब आपको ये कहा जाए, एक थर्ड एग्जांपल दिया जाए, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो क्या ये होगा? लेट कर लो, लेट ए सेट बी इज इक्वल्स टू L1, L2, L2, L3, ये सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, तो ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? ये चेक करके देखे जरा। सपोज करेंगे इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर होगा? नो, L1 डज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। फॉर एग्जाम्पल चेक करके ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज कर लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और यहाँ पर एक लाइन L3 हो गया, तो ये फर्स्ट L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन के लिए, सिक्स्थ रिलेशन। सिक्स्थ रिलेशन होगा एंटी ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेवेंथ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन आर इज अ रिलेशन सच दैट आर इज इक्वल्स टू ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाई बी रिलेटेड टू ए, एंड इसमें दिस इंप्लाइज नहीं रखेंगे, एंड बी रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाई ए इज इक्वल्स टू बी, इसमें कंडीशन हो जाता है प्लस में, देन वी से दैट आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसके लिए एग्जांपल देखिए। सपोज कर लो लेट R1 इज इक्वल्स टू 1 1, 1 2, 2 2, R3 इज इक्वल्स टू 1 1, 2 2, हियर R2 इज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, हियर R2 is anti-symmetric. Anti-symmetric, but R1 is not anti-symmetric. R1 is not an anti-symmetric. Check करके देख लो, A related, one related to one. फिर इसको रिवर्स कर देंगे अगर, तो ये भी वन रिलेटेड टू वन हो जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू इक्वल हो गया। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशन है इसमें और इसमें भी रिलेशन है एंटी सिमेट्री का, लेकिन ये R1 की जो वैल्यू है इसमें ये 1 2 आ जाने की वजह से 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देन दिस वी कैन से R1 इज नॉट ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले कुछ चीजें नोट में नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन,
relation, and universe relation. Relation are symmetric. Always kar de to acha rahega. Always symmetric and transitive. ये आपको याद रखना चाहिए. अगर ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्स रिलेशन है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑलवेज हो जाएंगे. तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया. अब इक्विवेलेंस रिलेशन नेक्स्ट एट. इक्विवेलेंस रिलेशन relation, equivalence relation, equivalence relation. A relation R is said to be equivalence if and only if, number one, if R satisfies the given conditions. First condition, R is equals to A comma A for all A belongs to A, means reflexive. Agar reflexive ho to equivalence ke liye first condition hold karega. And the second condition B, R is equals to A related to B. This imply B related to A. For all A and B belongs to A. This means symmetric. And third condition B, if R is equals to A related to B and B related to C, this imply A related to C for all A, B and C belongs to A. This means transitive. Then we can say R is an equivalence relation. Equivalence relation. मतलब ये है कि अगर equivalence relation तब hold करेगा या तब होगा जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों एक साथ सेटिस्फाई करे या तीनों एक साथ होल्ड करे, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं. इसके लिए भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे. एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं. सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अगर आप देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उस केस में आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं. और इसको सिमेट्रिक, इसको आपने देखा ये कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड का कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड भी फर्स्ट का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. और अगर कॉन्ग्रुएंट सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो सकते हैं उसमें. अगर फर्स्ट सेकंड का कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड थर्ड का है, तो फर्स्ट थर्ड का भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा. दिस देयरफॉर वी कैन से सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्विवेलेंट, आर एन इज एन इक्विवेलेंस ट्रायंगल, इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. नाउ सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. Set up parallel lines. So this both sets are said to be equivalence relation. Now
third example, we can check third example, set up perpendicular line. Set up perpendicular line. तो क्या होगा ये सेट अप परपेंडिकुलर लाइंस इक्विवेलेंस पॉसिबल है, चेक करके देख सकते हैं, नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं किया था कि ये सिमेट्रिक हो ही कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता. जब ट्रांजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता तो तीनों में से एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल इसमें नहीं है. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल फोर्थ एग्जांपल R is equal to A comma B. 2 divides A minus B. If R is equal to A comma B, मतलब A related to B, such that 2 divides A minus B. Then to check is an equivalence or not. Equivalence है या नहीं ये check करना है. Where A and B belongs to Z. ये भी होना चाहिए ना कि किस set से belong कर रहा है. Now we have to check first relation reflexive relation. First relation, if R is equals to A comma A, ये reflexive का definition था. R is equals to A comma A for all A and A belongs to Z, मतलब integer. तो check करके देखो, if A minus B था तो इसको आप A minus A करेंगे, ये क्या आ गया आपका 0 आ गया. तो क्या 0 को 2 डिवाइड कर सकता है, which divide is a factor of 2, क्योंकि 0 तो फैक्टर होगा ही 2 का, 0 को 2 डिवाइड कर देगा, तो therefore this relation is reflexive, hold कर गया, satisfy हो गया, which is reflexive. Now second, symmetricity. सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक रिलेशन में इफ आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, दिस इंप्लाई बी कॉमा ए, मीन्स बी रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड. नाउ वी हैव टू चेक ए माइनस बी गिवेन है, ए माइनस बी गिवेन है, क्या है फैक्टर ऑफ टू, factor of 2, मतलब 2 divides 2, and this imply b minus a. हाँ भाई बता दीजिए, अगर factor मैंने factor बोला ना, plus minus तो बोल नहीं सकता, तो अगर a minus b को 2 divide कर सकता है तो b minus a को भी 2 divide कर सकता है, is a factor of 2, which is symmetric relation, ठीक है. Now we have to check transitive relation. Transitive relation. Transitive relation. First of definition of transitive, A related to B and B related to C. This imply A related to C for all A, B, C belongs to A. Therefore, check the relation A minus B. If it is given, A minus B is equals to factor of 2. Factor of 2, suppose kar lo 2 lambda, say. Factor of 2 means 2 lambda and so on, where lambda is any integer, and b minus c is equal to 2 mu, maine suppose kar liya, where lambda and mu
lambda and mu belongs to any integer. Then we have to find the value of a minus c. a minus c की value find करना है, तो क्या करेंगे, plus कर दे इसको, a minus c की value हो जाएगा, इसको plus करेंगे तो ये 2 lambda, ये क्या हो जाएगा, plus 2 mu, 2 common ले लेंगे, lambda plus mu, और lambda mu क्या है, integer है, तो ये 2 भी factor of 2 हो गया, which is the factor of 2, therefore this relation is also is a transitive relation. Transitive relation. We see if r is equals to a comma b, to if 2 divides a minus b, where a and b are integers. Therefore, we see that these relations are reflexive, transitive, and symmetric and transitive. Therefore, r is an equivalence relation.